कई लोग मुझसे पूछते कितने एक दिन में कितना नाम लेना चाहिए भगवान का, कितनी माला करनी चाहिए। अब यही बात मैं आपसे पूछूं, एक दिन में कितना कमाना चाहिए, तो कितना कमाओगे? कोई बिजनेसमैन हो, कोई शॉप वाला हो, उसकी शॉप का टारगेट है कि उसको पर डे इतना कमाना है। मान लीजिए एक ही मॉर्निंग में ही उसको इतना पैसा मिल गया, तो क्या दुकान बंद करके घर चला जाता है कि बस अब हो गया, टारगेट पूरा हो गया, अब घर चलो? नहीं जाता ना, नहीं जाता। तो फिर भगवान के नाम में तुरंत 5 माला 16 माला 16 राउंड जितना भी नियम है वो करके पैक करके फिर रख देते, अब इसको नहीं देखना, हो गया काम। ऐसा थोड़ी होता। आप हर बार हर दिन प्रयास करते और ज्यादा और ज्यादा, और कमाऊं, और जितना हो सके कमाऊं। वैसे ही भगवान के नाम का भी जब हमारे भीतर से काउंटिंग खत्म हो जाएगी, ये कथा इतनी सुनी उतनी सुनी, ये अभिमान, कई बार मैंने कई लोग को तो इतना अभिमान भीतर देखा कथा सुनने का ही, उनको लगता है ये सुनाने वाला ये क्या सुनाएगा हमें, हमें इतना कुछ आता है। कभी भी जो पेपर पर ऑलरेडी लिखा होता उस पर आप कुछ नया नहीं लिख सकते, आपको एक ब्लैंक पेपर चाहिए होता है जिस पर आप कुछ नया लिख पाते। तो मेरी बात नहीं कर रही, आप जिस भी कथा में जाते हो तो पिछला जो आपने सुना ना उसको खाली करके जाओ, अब कुछ नया लिख के लाएंगे, अब कुछ नया सीख करके आए, तब कुछ नया जीवन में आए। अब आप पहले से ही ऑलरेडी विद्वान बन जाए कि हमसे बड़ा तो क्या विद्वान हो सकता है। ज्ञान में और अभिमान में बड़ा बड़ा छोटा सा फर्क है, लेकिन अभिमानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ है वो कभी ज्ञानवान नहीं बन सकता, वो कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। और जो ज्ञानी होगा, सच्चा ज्ञानी होगा, उसके भीतर कभी अभिमान नहीं आ सकता कि हमारे भीतर इतना ज्ञान है, हम इतना जानते हैं, इतना, क्योंकि अभिमान सब कुछ नष्ट कर देता है, अभिमान सब खत्म कर देता है, ईगो। एक हमारे भारत में एक दवाई आती है, दवाई भी क्या बोले उसे, जब डाइजेशन थोड़ा खराब हो जाता है ना, तो उसके लिए एक पैकेट आती है इनो, जो भारत वाले उनको पता होगा इनो आती है, शायद यहाँ भी आपने कहीं कहीं देखी होगी। तो क्या करती है इनो, उसका एडवर्टाइज जब आता है तो इनो का एडवर्टाइज आता है काम शुरू 6 सेकंड में, मतलब उसकी एड ये आती है कि काम जो है, मतलब डाइजेशन जो सिस्टम है वो 6 सेकंड में शुरू हो जाता है। तो कई बार मैं मजाक में कहती हूँ कि इनो काम शुरू 6 सेकंड में, ईगो काम खत्म 6 सेकंड में। अगर वहाँ वो 6 सेकंड में काम बना देती है तो इसके ऑपोजिट ईगो है जो 6 सेकंड में सब खत्म कर देती है, सब नष्ट कर देती है, अब खत्म, खाली हाथ मलते रह जाते हैं, बस मिलता कुछ नहीं अभिमान से। और एक ईगोइस्टिक जो आदमी होता है ना, जो अभिमानी होता है, वो भी जानता है इस बात को कि अभिमान बुरा है, उसको भी पता है, लेकिन अभिमान एक इतना सूक्ष्म दुर्गुण है जो कभी भी भीतर एंटर कर सकता है, किसी के भी भीतर, छोटे से छोटे।